आज असम के हर हिस्से में रहने वाले गरीब परिवारों तक को एलपीजी गैस कनेक्शन मिल चुके हैं, उनको धुएं से मुक्ति मिली है। असम में एलपीजी कवरेज जो 5 साल पहले 50% से भी कम थी, वो आज करीब करीब 100% होने को है। इसी तरह बिजली और टॉयलेट्स की सुविधा भी असम के गरीब से गरीब तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने दिन रात मेहनत की है। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत असम के लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा से जोड़ा जा चुका है। इसी योजना के तहत असम के गांव गांव में आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कोशिश ये भी है कि असम की हर 3 लोकसभा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। 5 सालों में 8 मेडिकल कॉलेज यहां बन चुके हैं। इनमें लखीमपुर और विश्वनाथ चरियाली के मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इससे आपको बेहतर इलाज भी मिलेगा और मेडिकल की, नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली युवाओं को भी बेहतर अवसर मिलेंगे। भाइयों और बहनों, असम में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.5 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अनेक लाभार्थियों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं। जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है, वो आश्वस्त रहे, उनको भी जरूर अपना पक्का घर मिलेगा। ये मेरा सपना है। जब देश आजादी के 75 साल मनाएगा, तब हिंदुस्तान का कोई गरीब पक्की छत के बिना नहीं होगा। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द हर गरीब को अपनी पक्की छत मिले, किसी को भी घर के लिए तरसना न पड़े। विशेष रूप से जो टी गार्डन में रहने वाले हमारे साथी हैं, उन तक ये मूल सुविधाएं जल्द से जल्द और तेजी से पहुंचाई जाए, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। भाइयों और बहनों, गांव में सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाने में हमारी डबल इंजन की सरकार 2 गुनी शक्ति से काम कर रही है। 5 साल पहले तक असम में करीब 13,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ था, यानी 70 साल में। याद रखोगे 70 साल में 13,000 किलोमीटर। बीते 5 साल में ही हमने इससे भी ज्यादा, यानी करीब 15,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें असम में बनाई।